ठीक नहीं चल रहा है जून मंथ में, उतना अच्छा नहीं है, संभाल के रहना पड़ेगा। आपको जो काम कर रहा है ना उसमें बहुत नष्ट आ जाएगा, संभाल के रहना नहीं। ये फाइनेंशियल की आपका पोजीशन का कुछ भी ठीक नहीं है, और तो कोई आपको कुछ पैसे के लिए आपको वो करना पड़ेगा, आपको पैसा मांगना पड़ेगा किसी से, सबके साथ का आपको झगड़ा भी हो जाएगा, घर में ज़्यादा से ज़्यादा झगड़ा भी हो जाएगा, एंड गवर्नमेंट का इश्यूज भी ज़्यादा हो जाएगा, गवर्नमेंट सेक्टर का किसी से वो झगड़ा लगता भी हो जाएगा। आपका कोई गवर्नमेंट पुलिस भी होता है, गवर्नमेंट ऑफिस सेक्टर भी होता है, कुछ भी होता है, आपका संभाल कर आगे आगे आपको स्टेप को सोच कर जान कर आगे बढ़ना है। आपका हेल्थ भी अच्छा नहीं है, और क्या है कि अब ट्रैवल करने के समय बहुत तकलीफ़ हो जाएगा, आपका गवर्नमेंट कोई काम होगा तो आपको रोक जाएगा। अब कोई ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल की बात क्या है कि आपको कोई लड़की से झगड़ा भी करना पड़ेगा, और कोई भी पैसा का आपको किसी से मांगना पड़ेगा। इतना क्या है कि जून मंथ में आपको टारस को अच्छा नहीं है। मैं कहता हूँ मृगशिरा नक्षत्र जन्म लेने वाला एक दो, और रोहिणी नक्षत्र 1 2 3 4 वो नक्षत्र, और उसके पहले का वाला नक्षत्र रोहिणी के पहले वाले का नक्षत्र होता है ना, वो भी कृतिका दूसरा तीसरा 14 का चरण का पाद का लोग आपको ठीक नहीं है जून मंथ को। इसलिए आपके क्या करना है कि आपको सुब्रमण्य स्वामी का पूजा करने पड़ेगा, कार्तिकेय का शिव जी का पुत्र कार्तिकेय पूजा करने पड़ेगा, और कुछ ग्रह को जप करने पड़ेगा। ना होना तो कोई शक्ति नहीं हो तो गद्या मंदिर का जाओ, नवग्रह के पास एक दीप जलाओ, प्रदक्षिणा कर लो, एक अच्छा होगा, शिव जी का थोड़ा अभिषेक कर लो, ओम नमः शिवाय बोल दो, ओम नमः शिवाय ऐसा बोल दो, अच्छा हो जाएगा।